क्या हुआ, वीडियो का टाइटल और ड्यूरेशन देख के यार दोनों मैच नहीं किए? अरे अभी रुको ना यार, अभी वीडियो चालू होने वाली है। और सुनो, अगर तुम्हें ऐसा ही बढ़िया कंटेंट चाहिए तो नीचे जो लाल वाला बटन है ना, उस पर कामे हामे आ कर दो, मैं तुम्हें मस्त सी सेंजुबीन भेज दूंगा। तो आओ चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो ड्रैगन बॉल डायमा के सेकेंड एपिसोड का रिव्यू अगर तुम्हें ना पता हो इन जस्ट 3 मिनट्स, तो आओ शुरू करते हैं। तो ओपनिंग शॉट में ही हमें पता चल जाता है कि जो न्यू विशेज होते हैं उनको केवल और केवल 1 विश मिलती है। फिर उसके बाद हमें सारे के सारे छोटे छोटे लोग दिखाए जाते हैं, जिसमें हमें वेजिटा, गोकू, क्रिलिन और बाकी सब दिखाए जाते हैं। अब गोमा की एक विश तो पूरी हो गई थी, पर वो नहीं चाहता था कि गोकू और उसके फ्रेंड्स जो हैं वो ड्रैगन बॉल यूज़ करें अर्थ पे और वो अपने आप को वापस से रिवर्ट कर लें। तो इसके लिए वो डेंडे को एज एन इंश्योरेंस अपने साथ डीमन वर्ल्ड में ले जाता है। हमें ये भी पता चलता है कि वो केवल बस छोटे हुए हैं, उनमें अक्ल जो है वो अभी भी बड़ों वाली ही है। फिर उसके बाद गोकू, वेजिटा, पिकलो, शिन और क्वीतो जो है वो टेंपल में जाते हैं, विच इज़ कामे साइड आउट। वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे पोपो उनको पूरी बात बताता है कि कैसे गोमा डेंडे को उठा के डीमन रेल्म ले गया है। और हमें इस शॉर्ट से पता चलता है कि गोकू का, पिकलो का, किसी का भी बॉडी बैलेंस सही नहीं है, जो कि वो एपिसोड में बाद में सही कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि वो केवल छोटे हुए हैं और उनकी अकल बड़ों वाली है, तो इसलिए बुलमा को बुलाया जाता है ताकि वो शिन का जो स्पेसशिप है वो सही कर सकें। और फिर बुलमा बताती है कि उसको कम से कम 10 दिन लगेंगे उसका स्पेसशिप सही करने के लिए। तो जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि गोकू को अपने बॉडी बैलेंस की और रेंज की बिल्कुल भी आदत नहीं होती है, तो गोकू अपनी एक पुरानी चीज़ लेने के लिए मास्टर रोशी के पास गया होता है, जो कि मास्टर रोशी अपने कपड़े सुखाने में यूज़ करता है, जो कि है पावर पुल। और तो और इस एपिसोड में हमें ये भी पता चलता है कि काफ़ी सारे पॉइंटी ईयर्स वाले जो थे वो डीमन रेल से ही आए होते हैं। और तो और उन्हें वहाँ से इसलिए बाहर निकलना था क्योंकि कुछ को फ्रीडम चाहिए थी, कुछ को रूल करना था, और उसी दौरान एक ईवल बाहर निकल गया था जो कि था माजिन। फिर फाइनली एंट्री होती है ग्लोरियो की और वह रिक्वेस्ट करता है गोकू को कि वो आए और गोमा और फल्टन को हराए। तो गोकू, शेन और ग्लोरियो जो हैं वो पहले जाते हैं और वेजिटा और बाकी सब जब बुलमा स्पेसशिप ठीक कर देगी तब आएंगे। अगर तुम्हें नहीं पता था तो सब्सक्राइब करो, अगर पता था तो भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरा 1000 सब्सक्राइबर का एक टारगेट है एंड ऑफ द ईयर का, उसे अचीव करने में मेरी हेल्प करो। और तो और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर तुम्हें ऐसे ही नए नए एनिमे के रिव्यू चाहिए तो यार मैं यहाँ हूँ रिसर्च करने के लिए। तुम मेरे को बस कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें कौन सा एनिमे चाहिए जिसका मैं रिव्यू करूँ, उसका रिव्यू मैं करके तुम्हें दूंगा। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड पीस।